Hi, this is Sharman Joshi and keep watching IN24. नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बलरामपुर का युवक कोरबा के पकरिया से रहस्यमयी ढंग से हुआ लापता। बीवी से मिलने पहुंचा था बर्फाली गुमशुदा शख्स। पत्नी नहीं कर रही अपने ही पति को ढूंढने में मदद, परिजन पहुंचे सिटी कोतवाली, दर्ज कराई शिकायत। स्याही मुड़ी के एजुकेशन हब में शुरू हुआ प्रवेश। पहली से छठवीं तक के लिए मंगाए गए आवेदन, 7 जुलाई तक चलेगा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, फिर जारी की जाएगी अंतिम सूची। और जांजगीर चांपा में मीडिया संस्थान के नाम पर नेटवर्किंग मार्केटिंग का मामला आया सामने। मासूम ग्रामीण बेरोजगार युवकों से वसूली जा रही थी मोटी रकम। पुलिस ने 4 कथित पत्रकारों को लिया हिरासत में, सभी से पूछताछ जारी। मॉनसून की दगाबाजी से अंचल के किसानों की चिंता बढ़ गई है। आषाढ़ माह लग चुका है, वहीं बारिश नहीं होने के कारण फसल पर बुरा असर पड़ने लगा है। अंचल के किसान धान सहित अन्य फसलों की बुआई व रोपाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून लगने के बाद बारिश नहीं होने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी है। वहीं दूसरी तरफ जिले के कृषि विभाग के उपसंचालक नहीं मानते हैं कि अभी भी हालात बिगड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिन फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, उन फसलों के लिए मौसम अनुकूल है। उनका मानना है कि अमूमन प्रदेश में 15 जून के बाद बोनी का कार्य शुरू होता है, जबकि 15 जुलाई के आते तक इसे पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इस बार मॉनसून की लेट लतीफी जरूर चिंता में डालने वाली है। देखिए, मानसून की स्थिति अगर देखी जाए तो गत वर्ष की तुलना में बारिश आज तारीख तक ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ यह है कि बुआई के लिहाज से थोड़ा सा कम है। जितना बरसना चाहिए था उतना नहीं बरस पाया है, और अभी जून का महीना अभी लगभग यानी ख़त्म होने हो रहा है। अभी जो अपने छत्तीसगढ़ में जैसा होते रहा है, तो उस हिसाब से बोनी जो है वो 20 जून के बाद ही बोनी शुरू हो पाती है, और रोपाई का जो है मुख्य कार्य जो है वो 15 जुलाई के से 31 जुलाई के बीच में चलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी खेती के लिहाज से बहुत ज़्यादा अभी देर नहीं हुई है, अभी भी जो है स्थिति समझ सकती है अगर बारिश अच्छी हो जाए। हाँ, ये कुछ जो है क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं भरसा है, लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया है, अभी हम इतने लेट नहीं हुए हैं कि जो है खेती के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। अभी भी जो है समय है, अगर वर्षा हो जाती है और बोनी अगर कर देते हैं तो जो है वो किसी भी प्रकार का अभी जो है वो उत्पादन पर असर नहीं होगा। बीज जो है पर्याप्त मात्रा में हमने जो है किसानों को उपलब्ध कराया है, लगभग जो है 13,000 कुंटल जो है बीज अभी हमने किसानों को उपलब्ध कराया है, और इसके अतिरिक्त दलहन तिलहन का जो बीज है वो और अतिरिक्त रूप से हमने उपलब्ध कराया है। केंद्र और राज्य की सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत किसानों की फसल और खेती से जुड़े हर आशंकाओं को दूर करने का दावा कर रही है, बावजूद यह किसानों को रास नहीं आ रही है। खाद बीज और कृषि उपकरण के अलावा जो सबसे बड़ी राहत है वह है अकाल जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कृषि बीमा। इस योजना का लाभ उन हालातों में किसानों को मिल पाता है जब उनकी फसल अतिवृष्टि, अनावृष्टि या फिर ओले या आगजनी जैसे किन्हीं वजहों से खराब हो गए हों। बावजूद जिले के भीतर देखा जाए तो किसानों को इसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि जिले के किसानों का रुझान भी अब अपने कृषि के बीमा को लेकर कम होता जा रहा है। एक जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में ही खरीफ की फसलों के लिए 15,917 किसानों ने इस बीमा का लाभ लेने अपना पंजीयन कराया था, जबकि इसी वर्ष 1491 किसानों ने बीमा का दावा भी किया था। दावे की यह राशि करीब 3,46,00,000 रुपए आकी गई है। पिछले खरीफ 2017 में 15,917 किसानों ने फसल बीमा करवाया था, और उसमें से 1,491 कृषकों का जो है बीमा दावा अभी हमको प्राप्त हुआ है, और ये राशि 3,46,00,000 से ज़्यादा है अभी हमने किसानों को उनके खातों में उपलब्ध कराया हुआ है। और इसके अलावा भी जो है कुछ किसान अभी हमारे बाकी हैं, उनकी राशि अभी आना है। जो बीमा है वो बीमा जो है आपको
यानी आपात स्थिति में जो है उसका फायदा मिलता है। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल रहती है उस समय जो है बीमा का फायदा नहीं है, क्योंकि जब आपकी फसल ग्राम पंचायत पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर जब पूरी फसल खराब होती है और जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं उन फसल कटाई प्रयोग में जब उत्पादन का आंकड़ा ये बताता है कि वाकई में जो है उत्पादन घटा है, फसल को क्षति हुई है, तभी उसका फायदा मिल पाएगा। स्याही मुड़ी में एजुकेशन हब में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक से हुई INN24 की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए कक्षा पहली से छठवीं तक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करने के लिए 7 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई है। इसके पश्चात आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और फिर अंतिम सूची तैयार होगी। श्री कौशिक ने बताया कि इच्छुक पालक आवेदन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय अथवा संबंधित विकास खंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन हब में पहले और छठवीं में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन फार्म जिला शिक्षा कार्यालय, संबंधित जो स्कूल है वहाँ और संबंधित विकास खंड से प्राप्त करके आवेदन जमा कर सकते हैं। इसको अपन 7 जुलाई तक टाइम दिए हैं जमा करने का, उसके बाद इसका छंटनी करके प्रवेश की कार्रवाई शुरू कर देंगे। पुलिस ने एक कथित मीडिया संस्थान के पत्रकार को पकड़ा है। पुलिस 151 के तहत कार्रवाई कर पूछताछ कर रही है। दरअसल इस संस्थान द्वारा मीडिया का काम नेटवर्किंग बिजनेस की तर्ज पर किया जा रहा था। जांजगीर चांपा में कथित दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा नाम से 4 लोगों द्वारा क्षेत्र में अपने सदस्य बनाने गाँव के भोले भाले लोगों को 1500 रुपए शुल्क के साथ संस्थान में ज्वाइनिंग देकर कमीशन के नाम पर काम करने का प्रलोभन दिया जा रहा था। जांजगीर चांपा जिले के गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर खुद को मीडिया समूह बताते हुए ज्वाइनिंग कराया जा रहा था, तभी इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया कर्मियों के माध्यम से पुलिस को लगी। इस काम में लगे दिल्ली से आए कथित पत्रकार को पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की और कागजात की जांच की गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टिया यह पाया कि मीडिया संस्था के नाम पर नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम गलत है। पुलिस अब कथित संस्थान व पत्रकार के संबंध में पूछताछ कर जांच में जुटी है। सुकमा जिले की DRG टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुकमा पुलिस का दावा है कि मुलेर के गंधारपारा इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 लाख का इनामी जग्गू मारा गया है। सुकमा पुलिस ने जानकारी दी कि मुठभेड़ कल देर शाम तब हुई जब DRG की टीम सर्चिंग पर थी, तब गंधारपारा में नक्सल एक्शन टीम से उनकी मुठभेड़ हुई जिसमें कमांडर जग्गू मारा गया। DRG की टीम को मुठभेड़ स्थल से 315 बोर हथियार और भरमार समेत नक्सली साहित्य और सामग्री बरामद हुई है। जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक नीतू कमल द्वारा जिले के पुलिस परिवार को कैंटीन की सौगात दी गई। SP ने एक अनूठी पहल करते हुए पुलिस लाइन खोखरा में कैंटीन की शुरुआत की। इस कैंटीन का पुलिस परिवार को लाभ मिलेगा। पुलिस लाइन खोखरा में रहने वाले पुलिस परिवारजनों को रोजमर्रा के सामान के लिए शहर की ओर आना पड़ता था, लेकिन अब उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति रियायती दरों में पास में ही हो जाएगी। पुलिस लाइन में कैंटीन खोले जाने से पुलिस परिवारजनों में खासा उत्साह देखा गया। जांजगीर पुलिस लाइन में आज हमने पुलिस कैंटीन का शुरुआत किए हैं। यहाँ पर सेंट्रल पुलिस कैंटीन के वही रेट्स पर हमारे जो पुलिस परिवार के सदस्यों को यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें लोगों को काफ़ी मतलब प्रॉफिट काफ़ी लाभ मिलेंगे क्योंकि MRP से काफ़ी कम दर पर यहाँ पर सामान उन लोगों को उपलब्ध होगा और आगे आने वाले समय पर हम इसको और विस्तार करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवं हम लोग 2-व्हीलर्स वगैरह का भी सोच रहे हैं, तो आगे आने वाले समय पर इसको हम और भी बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे। हमारे पापा ड्यूटी में दिन रात कहीं भी चल दिए रहते हैं तो हमारे घर का राशन खत्म हो जाता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत दूर है सिटी से, हम बहुत दूर में रहते हैं। यहाँ कैंटीन खुल चुका है तो उससे हम कभी भी सामान ले भी सकते हैं। कभी भी मतलब कोई भी सामान की ज़रूरत पड़े तो हम आ सकते हैं, उसे ले सकते हैं। स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंटीन में हमारे लिए भी सामान आ चुके हैं, हमारे लिए बैग्स हैं, स्टेशनरी सामान भी ओपन करेंगे बोल रहे हैं। तो बस यही बस मेरे को कहना है कि मैम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है हमारे सारे पुलिस परिवारों को, तो सारे पुलिस परिवार की तरफ से उनको बहुत बड़ी धन्यवाद है।
बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा के सामने तीन महिला नक्सली समेत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में संतू राम बड्डे पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, वहीं 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सभी नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। नक्सली अपने साथ 2 भरमार बंदूक भी लेकर पहुंचे। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने पर आत्मसमर्पित नक्सली सदस्यों को शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। जिले के भीतर अलग अलग थानों में आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताजा मामले में बांकी मोंगरा थाना इलाके के पौसरा गांव में एक किशोरी ने घर के मियार में फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटके सुमन को नीचे उतारा गया और एनटीपीसी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। घटना की जानकारी तो मैं खुद नहीं था। हाँ, पता चला कि घर में स्कार्फ से फांसी लगा लिए करते। तो क्या घर में उस टाइम कोई नहीं था क्या? घर में थे लेकिन मालूम नहीं था किसी को हो गया घटना। पढ़ाई वहाँ करते थे क्या? हाँ, पढ़ाई। कौन सा क्लास में? टेंथ में जाएगी। तो घर में पता कैसे? उस टाइम कोई नहीं था ये जब लटकी थी, तो पता कैसे चला आप लोग? शाम का समय है, काम करने के लिए ढूंढ रहे थे तो देखे खिड़की से, दरवाज़ा खुलवाया तो नहीं खुली। हाँ, खिड़की से देखे तो इसके बाद दरवाज़ा तोड़ के घुसा। तो ये उस टाइम में ख़त्म हो गया था कि नहीं? पल्स चल रहा था। एक्सपायर कब हुई? एक्सपायर रास्ते में। कारण क्या? कोई सुसाइड नोट ऐसा कुछ छूटा? ऐसा कुछ बलरामपुर के लोधी पंचायत का रहने वाला अंबिका सिंह बीते 23 जून से लापता बताया जा रहा है। उसके इस गुमशुदगी की सूचना खुद उसकी बीवी ने अपने ससुराल में दी थी। उसने ससुराल वालों को फोन पर यह जानकारी दी थी कि कोरबा के सिटी कोतवाली पुलिस ने उसे थाने में किसी वजह से बैठा लिया है। अपने बेटे को दूसरे जिले के पुलिस द्वारा थाने में बिठाने की खबर पाकर जब उसके परिजन बलरामपुर से कोरबा आकर सिटी कोतवाली पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि कोतवाली में अंबिका सिंह नाम के किसी भी शख्स को थाने में नहीं बैठाया गया है। परिजनों ने बताया कि बीते 19-20 जून को वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बलरामपुर से कोरबा आया हुआ था। यहां अंबिका सिंह की पत्नी बरपाली में पीआरपी के पद पर पदस्थ थी। घरवालों की माने तो अंबिका सिंह की पत्नी का व्यवहार उसके ससुराल वालों से अच्छे नहीं है। कुछ समय पहले उसने अपने पति अंबिका सिंह पर भी कैंची से वार कर दिया था। जाहिर है इस सब के बाद अब उसकी पत्नी ही संदेह के दायरे में है। वाड्रफ नगर की पुलिस अब कोरबा आकर लापता अंबिका की खोजबीन करेगी, तब गुमशुदगी के इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। अंबिका सिंह नाम का एक लड़का मेरे गांव का गायब है, तो मैं इन लोग के साथ गांव के नाते आया हूँ। तो यहाँ जब हम लोग क्या कि जैसे ही हम लोग वहाँ से पता किए तो पता चला कि नहीं, बरपाली गया था। उसकी मैसेज बरपाली में पीआरपी के पोस्ट पे काम कर रही समय में, लेकिन जब बरपाली गया तो पता चला कि वहाँ से उसको शिफ्ट किए थे पकरिया में। पकरिया पंचायत में जब हम गए वहाँ सचिव आवास में कोई दूसरी पीआरपी अभी रह रही है, और वहाँ की एक समूह की सक्रिय महिला सदस्य रेखा पटेल हैं, जिन्होंने यह बताया कि 23 तारीख के शाम शनिवार को लड़का वहाँ से पकरिया से 5 बजे दूसरे खेत में सामान लेकर हल्दी बाजार के लिए निकला है। तो उसकी मैसेज दूसरे दिन बोली कि वो अभी तक नहीं पहुँचा है। फिर बोल रही है कि मेरे पास फ़ोन किया कि उसको थाने में बंद कर दिया गया, कोरबा कोतवाली सिटी कोतवाली। आज हम सिटी कोतवाली में आए हुए हैं, जहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ सिटी कोतवाली में अंबिका सिंह नाम का कोई लड़के को बैठाया ही नहीं गया। यहाँ के स्टाफ द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि 23-24-25 के बीच इस नाम का कोई आदमी बैठाया नहीं गया है, और 3 दिन किसी भी आदमी को थाने में बैठाया नहीं जाता है। 1 दिन बैठा के उसे फिर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि लड़की अभी तक अपने ससुर से भी कोई कांटेक्ट नहीं की। एक छोटे ससुर से थोड़ा सा कांटेक्ट की, इसके बाद से वो कट के रह रही है। और अभी जब उसको बुलाया वहाँ चौकी में, वाड्रफ नगर चौकी में आके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो बहाने करने लगी कि मुझे बलरामपुर जाना है समूह के काम से, तो फिर बहुत मुश्किल से आई। और इसके बाद फिर बोले कि जब यहाँ आना है हमको पता करने सरई हल्दी बाजार के लिए, तो लड़की सर सुबह जब फ़ोन किए तो बोल रही कि नहीं, मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में दूधी आ गई। तो सर उसके ऊपर डाउट हो रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है अपने हस्बैंड के प्रति। ये शादी हुए सर 6 साल हो गया, और शादी के बाद इन लोग का आपस में जो है अच्छा संबंध नहीं था। 14 तारीख को लड़का सर घर से सामान पहुँचाने के लिए यहाँ आया, और 14 तारीख के बाद भी बात नहीं हुआ। 20 तारीख को जो है मेरे मोबाइल में कॉल किया है कि चचा हम लोग का
यहाँ बरपाली से रिलीव हो गया हरदी बाजार, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं 5 तारीख को आऊँगा। लेकिन सर इस बीच में उनका फ़ोन मोबाइल बंद हो गया है, लड़की भी नहीं कोई सूचना दी, और हम लोग परेशान थे। फिर बीच में पता चला इधर उधर से कि नहीं लड़की आई है वहाँ से, तो फिर उसके मायके में हम लोग फ़ोन किए सर, तो पता चला कि लड़की आई है, फिर उसको चौकी बुलवाया वाडप नगर कि भाई इसका हुलिया लिखवा दिया जाए जब पता नहीं चल रहा है। तो वाडप और चौकी से बोले कि नहीं भाई, जहाँ उसका ड्यूटी था हरदी बाजार वहाँ चले जाइए और वहाँ से उसका रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हुलिया लिखवा दीजिए। जिले के भीतर की सड़कों पर इन दिनों दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 4 से 5 दिनों की ही बात करें तो 4 बड़े-बड़े हादसों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष इन घटनाओं में दम तोड़ चुके हैं। ताजा हादसा कनकी तरदा मुख्य मार्ग की है, जहां 1 बुलेरो ने पीछे से सामने चल रही बाइक को ठोकर मार दी। यह हादसा भी दूसरी घटनाओं की तरह ही जानलेवा साबित हुआ। बाइक पर सवार ललिता नाम की महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चला रहे सुनील कुमार और भुवनेश्वर गंभीर तौर पर घायल हो गए। घायल भुवनेश्वर ने बताया कि जब वह शाम करीब 6 बजे पंतोरा के लिए बाइक पर सवार होकर अरदा से रवाना हुए थे, तभी उर्गा थाना क्षेत्र के कनकी तरदा के पास 1 बुलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मैं और मेरी बड़ी मम्मी और बड़े भैया थे, हाँ। जो वहाँ कोरबा से पंतोरा आ रहे थे जी, तभी हादसा यानी जा रहे हैं तो बुलेरो में यानी पीछे से टक्कर। अच्छा, कितने बजे की बात हुई है? ये करीब 6 बजे बस बाहरी चोट मेरे लगा और सर पर लगा भैया। अच्छा, दुर्घटना को अंजाम देने वाली बुलेरो हरदी बाजार के पोड़ी में रहने वाले किसी राठौर की बताई जा रही है, जिसमें गांव की कुछ महिलाएं उसमें सवार थीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका ललिता के शव के साथ ही दोनों घायलों को भी अस्पताल दाखिल कराया। वही हादसे को अंजाम देने वाले ड्राइवर के खिलाफ भी जुर्म दर्ज कर लिया गया है। गौर करने वाली बात है कि कोरबा के भीतर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद वाहनों की रफ्तार में कोई लगाम नहीं लग रहा है। छुरी, ब्रह्मपुर और जवाली में हुई मौतों के बाद कल शाम इस घटना ने फिर एक बार सड़क सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।